कांग्रेस के G23 नेताओं पर गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के साथ साथ पार्टी के जो भी नेता फैसला लेंगे वो सही होगा। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरी जो वर्किंग कमेटी की भावना ये रहती है, तो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे वरिष्ठ सदस्य हों, कोई जिस भी हैसियत का आदमी था, छोटा बड़ा, जूनियर सीनियर, सबने एक ही भावना से कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी जी संभालें और ये पार्टी मजबूती से जो इश्यूज हैं हमारे सामने उनको लेके सड़कों पे लड़ाई लड़े। राहुल जी ने क्या जवाब दिया फिर, जो प्रस्ताव पे कुछ कहा? या राहुल गांधी जी कांग्रेस से अलग थोड़ी है, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं, कांग्रेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेहत होनी चाहिए संगठन की, सेहत के लिए ये विषय हमेशा ज्वलंत रहता है कि जिस पार्टी में अनुशासन रहेगा वो पार्टी सफलता भी प्राप्त करती है, जहाँ अनुशासन नहीं है वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए ये तो जरूरत क्या पड़ी, इसकी तो हमेशा जरूरत रहती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए सबसे पहली जरूरत है वो डिसिप्लिन की, और इनडिसिप्लिन तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। बहुत लंबा विस्तार से डिस्कशन हुआ है और ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशंस थे सारे। राहुल जी ने भी खुल के अपनी बात रखी, मैडम ने भी रखी, और हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी रखी, वर्किंग कमेटी के जितने सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों ने भी अपनी बात रखी। सबको बोलने का जब मौका मिलता है या दिया जाता है तो फिर 5 घंटा नहीं मसली। राहुल गांधी जी को नेतृत्व संभालने का आग्रह किया, सोनिया गांधी जी को नेता मान रहे हैं सब लोग, तो जब ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि ये मीडिया का स्पेकुलेशन मानता हूँ मैं, निराधार बातें हैं ये। कांग्रेस एकजुट है और इनके नेतृत्व में 10 साल हमने सरकार बनाई थी मैडम के, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। ये तो सत्ता में परिवर्तन होता रहता है, 10 साल हमने भी राज किया, 7 साल से वो राज कर रहे हैं, कभी राज उनका बदलेगा? ये एक सी स्थिति कभी राजनीति में नहीं रहती है। और कांग्रेस गरीब, आपको बता दें मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी की स्थिति जिस तरह मजबूत हो रही है उसे देखकर पार्टी के तमाम नेता इस वक्त खुश दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं, यही फेरबदल हैं जो पार्टी को आने वाले समय में काफ़ी हद तक ऊपर लेकर जाएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी में एक तरफ जहां फेरबदल हो रहे हैं तो वहीं बीजेपी नेताओं के पसीने छूटते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं को इस बात का डर है कि कहीं आने वाले समय के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका ना लगे। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।